अरे गाइस, आप लोग भी मेरे तरफ ओनली से इस तरफ से सीवी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो बस भाई आप लोगों को चिंता करने कोई बात नहीं, क्योंकि आज आपका भाई इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएगा ओनली इस तरफ से सीवी एडिटिंग किस तरफ से करते हैं, ठीक है नैन। आप लोग की नहीं आता होगा तो आप लोग इस भाई आप लोगों को दिखाएगा इस तरफ से ओनली सीवी फोटो एडिटिंग किस तरफ करते हैं, ठीक है नैन। एंड भाई अपना वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ तो जान एंड मेरे नॉर्मल पहले फोटो देख सकते हैं एंड कितना बेकार तरीके से दिख रहा है, ठीक है नैन। एंड भाई अपना फोटो को पहले तो शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। लाइटरूम एप्लीकेशन में पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना जान। ओपन करके ना आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह से आप लोगों को पहले कॉपी फोटो को कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं कॉपी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फाइनली गाइस देख सकते हैं एंड मेरा फोटो कितना भावकाल तरीके से कॉपी हो गया। एंड भाई लोग फिर से अपना फोटो के यहाँ से शेयर कर लेता हूँ। अपना फोटो को शेयर कर लेता हूँ पेंसिल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना बान। एंड मेरा फोटो को शेयर कॉपी कर लेके शेयर कर चुका हूँ, ठीक है नैन। तो भाई लोग आप लोगों को किस वाली ब्रश को लेना है, आप लोगों को कुछ इसी वाली ब्रश को ले लेना है, ठीक है नैन। तो आप लोगों को न्यू ब्रश दिखा रहा हूँ, ठीक है नैन। आप लोग लेते हुए दूसरा कलर आया तो आप लोग को चिंता करने कोई बात नहीं है, ठीक है नैन। आप लोग केवल इस पे आके स्मूथ वाली को यहाँ से ले लेंगे, ठीक है नैन। इसको लेकर नूँ आप लोगों को फेस को इस तरफ से साइज को आप लोग इस तरफ से फेस को स्मूथ अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। अपना फोटो को स्मूथ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फाइनली गाइस देख सकते हैं मेरा फोटो इस वाली ब्रश में कितना भावकाल तरीके से स्मूथ हो गया है, ठीक है नैन। तो भाई लोग आप लोग मैं आ जाता हूँ होम स्क्रीन पे, ठीक है नैन। होम स्क्रीन पे आने के बाद नैन आप लोगों को मोबाइल में इस वाली एप्लीकेशन होगा तो आप लोग को इसको ओपन तो कर लेना है, ठीक है। ओपन करने में आप लोग तो जानते हैं इस वाले एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होता है, तो आप लोग को बतला दूँ मैं। इस वाले एप्लीकेशन के अंदर आप लोग का फोटो को स्कैन कर लेना है, स्कैन करने में स्कैन कर रख लिया हूँ, ठीक है नैन। मैं ओपन कर लेता हूँ पिकअप एप्लीकेशन को, ठीक है नैन। मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके ना जान तो मैं पहले से बैकग्राउंड भी लगा लिया हूँ तो उस पर इस वाली फ़ोटो को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जान। लेने के बाद ना जान एंड भाई लोग देख सकते हैं मेरे कपड़े हेयर छोटा सा दिख रहा है, ठीक है जान। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस तरफ से इसको बड़ा भावकाल तरीके से बनाते हैं, ठीक है जान। इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, इसको पूरा सॉफ्ट कर देना है। पहले तो आप लोग को इसको बार को पहले छोटा कर लेना है, अच्छा तरीके से इस बार को पहले छोटा आप लोग को कर लेना है, ओके ना जान। फोटो को सेव कर लेना है एंड भाई लोग देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना बेकार तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। आप लोग चिंता करने कोई बात नहीं है क्योंकि आज भाई आप लोग को इस वीडियो में बतलाने वाला है किस तरीके से सीवी फोटो बनाते हैं। मैं इस हेयर को जो लगाना चाहता हूँ उस वाली हेयर को मैं पहले तो ले लेता हूँ, इस वाली हेयर को ले लेता हूँ। लेने के बाद ठीक है ना तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इस तरफ से करके लगा लेता हूँ। लगा ब्रश वाले के लोग को जो आप लोग को हटाना होगा इस तरह से पहले आप लोग हटा सकते हैं, ठीक है जान। मैं बैठा कर आप लोग को दिखा रहा हूँ। फाइनली गाइस आप लोग को इस तरह से कुछ अच्छे तरीके से बैठा लेना, ठीक है। एंड मैं बैठा चुका हूँ, फिर से मैं फोटो को सेव कर लेता हूँ एंड अपना हेयर को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जान। तो उससे मेरा भावकाल तरीके से दिखने लगेगा। इतना करके यहाँ से फोटो को सेव कर रहे हो, अब देख सकते कितना भावकाल तरीके से दिख रहा है, ठीक है जान। एंड भाई लोग अपना कपड़ों को सीवी में बना लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेता हूँ इस फेस कलर वाले को लेकर, ठीक है जान। फिर से मैं इस पर आ जाता हूँ ब्रश वाले पे ले लेता हूँ, ठीक है जान। फिर से आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर नहीं आएगा तो आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है जान। अपने कपड़े पर इस तरह से अच्छे तरीके से लेना, मैं लेकर दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। फाइनली गाइस आप लोग भी इसे अच्छे तरीके से कपड़े पे कलर ले देना, ठीक है यार। लेने के बाद ना जान जो मेरे को अच्छा लगे उस वाले कलर को इसको मैं ले लेता हूँ यानी फोटो को सेव कर लेता हूँ, ठीक है यार। एंड अपना कपड़ों को भी मैं सीवी में बना लेता हूँ तो या फिर इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद फिर इस पर क्लिक कर देंगे पहले वाली का ले लेंगे, ठीक है यार। एंड लेने के बाद इसको पूरा कम कर देंगे, इसको ले लेंगे एंड देख सकते हैं मेरा फोटो कितना बेकार टाइप से दिख रहा है। इस पर इतना पे आकर अब ब्रश पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से कपड़े पे कलर ले लेना, ठीक है जान। मैं लेकर दिखा फाइनली गाइस आप लोग को भी कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से ले लेना, ठीक है। लेने के बाद जितना आप लोग को अच्छा लगे उतना आप लोग ले सकते हैं। तो एंड तो मैं इतने पर ही ले ले रहा हूँ, यहाँ से फोटो को सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। इतना हो जाने बंद जान तो देख सकते बैकग्राउंड के यहाँ से स्कैन किया हूँ तो उसका यहाँ पर नाम लिख रहा है तो मैं नाम को भी हटा लेता हूँ, ठीक है जान। तो यहाँ से जो बैकग्राउंड को लगाया है ना उस पहले पहले तो बैकग्राउंड को ले लेते हैं, ठीक है जान। नाम को हटाने के लिए उस वाले बैकग्राउंड को ले लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद ना जान इस तरह जूम कर इस पर ब्रश वाले पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है, अच्छा तरीके से इस तरफ करके नाम को हटा लेना है
यहाँ से फोटो को सेव कर लेना ठीक है। एंड मेरा बच गया थोड़ा और बैकग्राउंड वैकग्राउंड लगाना, मैं PNG वगैरह और लगाता हूँ, मैं उससे थोड़ा फोटो भौकाल तरीके से दिखने लगे ठीक है। जान मैं इसको एक ले लेता हूँ, लेने के बाद इस पर क्लिक करके इस पर आप लोग पहले वाली को ले लेना है, आप लोग यहाँ लगाना चाहते हो अच्छे तरीके से लगा लेना है एंड ठीक है। यहाँ फोटो को सेव करके आप लोग को दिखा रहा हूँ और PNG वगैरह किस तरफ से लगाते हैं। एंड जब मैं इस घर को ले लेता हूँ ठीक है, यहाँ लेने के बाद जहाँ आप जहाँ मैं लगाना इसको चाहता हूँ वहाँ पर अच्छे तरीके से लगा लेता हूँ, जिस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से इसको काट के हटा लेता हूँ। इसको लेकर अच्छे तरीके से इस तरफ से करके आप लोग को भी लगा लेना है ना, हो जाने का फोटो को यहाँ से सेव करके ऑपसिटी को कम करना चाहते हो इतना कर सकते, मैं तो एंड इतने पे ही इतना पे कर ले रहा हूँ, इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेता हूँ ठीक है। थोड़ा एंड जान थोड़ा और मैं लगा लेता हूँ, कुछ तो मेरा फोटो खूब भौकाल तरीके से दिखने लगे। फिर से मैं इसको लेकर अच्छे तरीके से फिर से इसको मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे अच्छे तरीके से फिर से यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। ओके ओके जान, यानी फोटो को सेव कर लेता हूँ ठीक है ना। इन टाइटू उटू में लगा लेता हूँ अपना हाथ पे, यहाँ से टाइटू को मैं ले लेता हूँ। इस पर क्लिक आप लोग इस पर आए क्लिक करके पहले वाले की नहीं दूसरे वाले को ले लेना है ठीक है। यहाँ इतना लेने के बाद फोटो की इस तरफ से जूम करके आप ब्रश व्रश पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है ठीक है ना। आप लोग को अच्छे तरीके से इस तरह से कर लेना है, मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से ले लेना है। यानी मैं अपना ऑपसिटी को यहाँ से कम कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर देता हूँ, जिसको दो हो गया था आप लोग भी दो बनाकर अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, तो अच्छे तरीके से मैं लगा लेता हूँ ठीक है। जान मैं इसको हटा लेता हूँ, ये फोटो को सेव कर लेता हूँ ठीक है। सेव करने वाले सेव अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, बैकग्राउंड को भी मैं दो कर लेता हूँ ओके ना जान। तो मेरे प्यारे भाई लोग आप लोग एंड देख सकते हैं कितना भौकाल तरीके से यानी CV फोटो एडिटिंग हुआ है ठीक है भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ठीक है। चलते एक और नेक्स्ट वीडियो में।